गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उनके लेटर से कुछ बातें भी सामने आई हैं जो कि हमें ज़रूर समझनी चाहिए। राहुल गांधी ने पॉलिटिकल कल्चर को निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी राजनीति से प्यार तो करते हैं, पर उनके काम करने के तरीके से राजनीति केवल हेट और खानदानी झगड़े की जगह बनकर रह गई है। गुलाम नबी आज़ाद के नाम को खराब करने की कोशिश राहुल गांधी के समर्थकों ने की और उन सभी को पार्टी ने अवार्ड दिया। अपने ही नेता के साथ गलत ढंग से पेश आए राहुल गांधी ने हमेशा पीएम मोदी के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने वालों को पार्टी में बड़ी जगह दी और राजनीति को गंदा खेल बना दिया। अगर हम आज़ाद का इस्तीफा देखें तो ये पता चलता है कि राहुल गांधी ओवर एम्बिशियस नेता है। आज़ाद के लेटर के हिसाब से राहुल गांधी ने कंसल्टेटिव मैकेनिज्म को कांग्रेस से ख़त्म कर दिया है और इसे समझें तो सत्ता में आने पर भी वो देश के साथ ऐसा करेंगे। पार्टी में कम एक्सपीरियंस, झूठे चापलूस लोगों को बड़े पद और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यहाँ तक कि उनके सिक्योरिटी गार्ड और पीए तक सीनियर नेताओं से ज़्यादा ताकतवर हैं। राहुल गांधी पार्टी के मेंबर्स और सीनियर लीडर्स की भी कई बार इंसल्ट कर चुके हैं, जो कि ये साफ दिखाता है कि वो सबको अपने से नीचे समझते हैं। सोनिया गांधी ने भी बुरे बर्ताव किए हैं। पार्टी नेताओं से डीथ्रोन शब्द का इस्तेमाल सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी के लिए किया था, जो कि उनके घमंड को दिखाता है। आज़ाद के इस्तीफे से ये भी साफ होता है कि सोनिया गांधी ने रिमोट कंट्रोल मॉडल से पहले सरकार चलाई और अब वो पार्टी को भी वैसे ही चला रही हैं। कांग्रेस में अब कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं बची है, क्योंकि कांग्रेस में पार्टी की कोई कमी बताए तो उसे गांधी परिवार और उनके चमचों द्वारा बुली किया जाता है। यहाँ तक कि गांधी परिवार के चमचों द्वारा बनाई गई लिस्ट को जबरदस्ती या धमकी देकर साइन लिया जाता है। कांग्रेस में इंटरनल इलेक्शन केवल एक मजाक है। कांग्रेस में अगर गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बनता है तो वो केवल एक कठपुतली है, ऐसा आज़ाद ने कहा है। आज़ाद ने तो ये तक कहा है कि जम्मू कश्मीर के मामले में नेहरू ने मिसमैनेज ढंग से डील किया, जिसके कारण पूरा स्टेट लंबे समय तक परेशानी झेल रहा है। आपके इस पर क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।